क्या आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं? ये क्या होती है? तो आज मैं बात करूँगा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, ये क्या-क्या होते हैं और लाइफ प्रोसेस के बारे में और प्लेन्स एंड सेक्शंस के बारे में जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में यूज़ होते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक एंड यू आर वॉचिंग द नर्सिंग माइंड सेट। होप ऑल यू आर वेल। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? साइंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। एनाटॉमी का मतलब है बॉडी की साइंस, जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी का मतलब क्या है? साइंस ऑफ बॉडी फंक्शन। जो बॉडी बॉडी जो भी फंक्शन कर रही है वो सब कुछ फिजियोलॉजी में आते हैं। जो स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं वो एनाटॉमी में आते हैं। इसके बाद ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के 6 लेवल हैं। सबसे पहला लेवल है टिश्यू लेवल, सेकंड है होल बॉडी लेवल, थर्ड सेलुलर लेवल, फोर्थ ऑर्गन लेवल, फिफ्थ केमिकल लेवल और सिक्स सिस्टम लेवल। सबसे पहले टिश्यू लेवल क्या है? सिमिलर सेल्स का ग्रुप जो एक साथ मिलकर एक विशेष रूप से कार्य करते हैं उन्हें टिश्यू कहते हैं। एक जैसी सेल जब ग्रुप में आकर एक पर्टिकुलर काम को करते हैं तो उसे टिश्यू कहते हैं। नेक्स्ट सेकंड होल बॉडी लेवल, सभी पार्ट्स सिस्टम एक साथ काम करके होल बॉडी बनाते हैं। जब सिस्टम इकट्ठे हो जाते हैं तो वो इकट्ठा काम करते हैं तो उसे होल बॉडी लेवल कहते हैं। सेलुलर लेवल क्या है? कई मॉलिक्यूल साथ मिलकर सेल बनाते हैं जिन्हें ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट भी कहते हैं। इससे आगे फोर्थ ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल क्या है? जब काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू एक साथ काम करते हैं और शेप बनाते हैं उन्हें ऑर्गन लेवल कहा जाता है। इसके बाद आते हैं केमिकल लेवल क्या है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम है। ह्यूमन बॉडी में सामान्य 26 एलिमेंट पाए जाते हैं, जिसमें से 4 तो मेन है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया 65%, कार्बन डाइऑक्साइड होगी 18% और हाइड्रोजन होगी 9.5%, नाइट्रोजन होगी 3.2%, लगभग 46% कहते हैं बॉडी मास बनाते हैं, जिन्हें मेजर एलिमेंट कहा जाता है और अन्य 8 को लेसर एलिमेंट और शेष को ट्रेस एलिमेंट कहा जाता है। 2 से अधिक एलिमेंट मिलकर एटम बनाते हैं। इससे आगे आते हैं सिस्टम लेवल। एक कॉमन फंक्शन के साथ सबसे संबंधित ऑर्गन की यूनियन की सिस्टम कहते हैं। इसके बाद लाइफ प्रोसेस क्या है? निम्न 6 लाइफ प्रोसेस एक ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट करते हैं नॉन लिविंग से लिविंग थिंग्स के अंदर। सबसे पहला क्या है? मेटाबॉलिज्म। यह एक बॉडी में होने वाला सभी प्रोसेस का योग है। बॉडी के अंदर जो भी क्रिया हो रही है, जो प्रोसेस हो रहा है, उसका एक योग है, ये टोटल है उसका मेटाबॉलिज्म। इसके 2 फेजेस होते हैं, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म के अंदर कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टूटते हैं सिंपल के अंदर, और एनाबॉलिज्म के अंदर कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं सिंपल मॉलिक्यूल से। इससे आगे रिस्पॉन्सिवनेस, इसका सेकेंड फेज, एबिलिटी टू डिटेक्ट चेंज एंड रिस्पॉन्ड टू दैट चेंज। अदर लाइफ प्रोसेस आर मूवमेंट, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। सभी प्रोसेस के स्टॉप होने से सेल और टिश्यू की डेथ हो जाती है और इससे रिजल्ट होता है कि बॉडी की भी डेथ हो चुकी है। इससे आगे जो मेन सेक्शन यूज होते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर, एनाटॉमी के अंदर 3 सेक्शन हैं, प्लेन्स हैं। सबसे पहले थे सेगिटियल प्लेन। सेगिटियल प्लेन वो है, वर्टिकल प्लेन है, जो बॉडी को ऑर्गन्स को लेफ्ट राइट में डिवाइड कर देता है, जैसे हार्ट लेफ्ट में राइट में, या लंग्स लेफ्ट राइट, किडनी स्टमक इसमें डिवाइड कर देता है। फ्रंटल प्लेन क्या होता है? यह वो प्लेन है जिसके अंदर बॉडी एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर मतलब पोस्टीरियर में डिवाइड कर देते हैं। ट्रांसवर्स प्लेन यह वो प्लेन है जो बॉडी को सुपीरियर और इन्फीरियर पोर्शन में डिवाइड कर देता है, सुपीरियर और इन्फीरियर पोर्शन में डिवाइड करता है।
तो आज हमने पढ़ा एनाटोमी और फिजियोलॉजी में क्या डिफरेंस है, और हमने पढ़ा कि ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन के लेवल क्या क्या होते हैं, टिश्यू लेवल है और बॉडी लेवल, सेलुलर लेवल, ऑर्गन लेवल और केमिकल लेवल और सिस्टम लेवल, और इसके बारे में पढ़ा लाइफ प्रोसेस के बारे में, क्या इसमें कितनी चीज़ें हैं जो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिफ्रेंशिएट करते हैं, और इसके बारे में हमने प्लेन्स और सेक्शन के बारे में पढ़ा, तीन टाइप के प्लेन और सेक्शन, सेगिटियल, फ्रंटल और ट्रांसवर्स। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो।